आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। ओवरऑल एक ह्यूज डाउन ट्रेंड के बाद अगेन एक बाउंस बैक आईटी सेक्टर में दिखा और उसके बाद अगेन इस समय देखेंगे तो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि विद इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगेन एक बाउंस बैक आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल विप्रो को देखेंगे तो इसके पीयर्स के कंपैरेटिवली यानी इंफोसिस के कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट आए हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक को देखेंगे तो टोटली स्टॉक वीक लग रहा है इस समय। इस स्टॉक का अगर प्राइस देखेंगे तो 470 के प्राइस पे चल रहा है, जहां आरएसए अराउंड 43 का है। और डिलीवरी देखेंगे तो इस स्टॉक में 50-70% तक का भी डिलीवरी दिख रहा है, लेकिन इस समय इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 470 का प्राइस है, 482 के ऊपर का क्लोजिंग इस स्टॉक में एक वन साइडेड अपट्रेंड 510-520 तक का दिख सकता है। लेकिन याद रखें, जब तक 478-480 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देती है तब तक के लिए ये स्टॉक अगेन एक बार 452-455 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ध्यान रखें, 482 के ऊपर के क्लोजिंग पर ही लॉन्ग होना है, तब तक के लिए डाउन ट्रेंड या फिर कंसोलिडेट हो सकता है। इसके साथ में एक दूसरा स्टॉक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर सिस्टम। इस स्टॉक में बेसिकली आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। डिलीवरी अराउंड मोर देन 60% की दिख रही है और इस स्टॉक में देखेंगे तो ये भी स्टॉक काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन रहा है, मोर देन 3 मंथ से। लेकिन टेक्निकली इस समय टोटली ये स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है और जब तक ये स्टॉक 212-215 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है स्योली से स्टॉक में एक अपट्रेंड दिख सकता है। पर्सनली मेरा मानना है 260-270 तक के लेवल इस स्टॉक में इजीली दिख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 212-215। और इस स्टॉक में डिविडेंड 6.5 रुपये तक का आपको पर शेयर आते हुए दिख रहा है, जो इसके फेस वैल्यू का अराउंड 650% के आसपास का है। तो आर सिस्टम पे भी नजर बनाए रखे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए।